स्वागत है आपका इंडिया खबर में। पाकिस्तान जहां अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को फंसाने की कोशिश में लगा रहता है, वहीं दुनिया उसकी सच्चाई से पूरी तरह वाकिफ है। अमेरिका ने एक हालिया रिपोर्ट में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की पोल खोल दी है। अपनी रिपोर्ट में अमेरिका ने साफ कहा है कि पाकिस्तान भले ही आतंकी संगठनों पर नकेल कसने के छोटे मोटे कदम उठाता हो, उसकी जमीन पर भारत और अफगानिस्तान में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले संगठन फल फूल रहे हैं और उसने इन्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने अपने हालिया कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस रिपोर्ट से ये खुलासा करा है कि पाकिस्तान ने 12 आतंकियों के गुट को पनाह दिया है और इसमें से 5 ऐसे संगठन हैं जिनका निशाना मुख्य रूप से भारत है। अमेरिकी संस्था कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि विश्व में सक्रिय आतंकी संगठनों में से 12 ऐसे हैं जो पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं। वहीं इनमें से 12 में से 5 आतंकी संगठनों का निशाना भारत है। ये एक बड़ा खुलासा अमेरिका की संस्था CRC की ओर से किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे संगठन भारत को अपना निशाना बनाने की ताक में हमेशा रहते हैं। हाल ही में UN असेंबली में इमरान खान कश्मीर का रोना रोते दिखाई दिए और तालिबान से कोई ताल्लुक नहीं होने की बात की। आखिर हर बार पब्लिक प्लेटफॉर्म में इमरान खान को आतंकवादियों की इतनी चिंता क्यों सताती है? इसका पर्दाफाश इस रिपोर्ट से हो गया है। हालांकि अभी इस रिपोर्ट को अमेरिका ने ऑफिशियल नहीं करा है, लेकिन इससे पाकिस्तान की सच्चाई एक बार फिर खुल के आ चुकी है। समिट के वक्त अमेरिका की ओर से जारी की गई इस रिपोर्ट में साफ शब्दों में कहा गया है कि सभी आतंकी संगठन पाकिस्तान में सक्रिय चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि संगठन 5 तरह के हैं, इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो पूरी दुनिया को टारगेट बनाए हुए हैं, तो वहीं कुछ संगठनों के निशाने पर अफगानिस्तान की जमीन है। वहीं पाकिस्तान में पनाह लिए 5 आतंकी संगठनों के निशाने पर भारत और कश्मीर मुख्य तौर पर हैं। अमेरिका की जारी इस रिपोर्ट में बताया गया कि लश्कर ए तैयबा साल 1980 में पाकिस्तान में बनाया गया था। वहीं साल 2001 में इसे वैश्विक आतंकी संगठन के रूप में देखा गया। साल 2008 में इस आतंकी संगठन ने मुंबई में हमला किया। बता दें, संगठन विश्व भर में कई बड़े हमले कर चुका है। जैश ए मोहम्मद संगठन की स्थापना साल 2002 में हुई थी, जिसके संस्थापक मसूद अजहर था। साल 2001 में इस संगठन को विदेशी आतंकी संगठन के रूप में बनाया गया। बता दें, भारत में हुए हमले में इस संगठन का हाथ रहा है। हरकत उल जिहाद इस्लामी अफगानिस्तान में साल 1980 में बना संगठन है। जानकारी के मुताबिक साल 1979 के बाद से इस संगठन ने भारत में हमले शुरू किए थे। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान की लड़ाई के लिए संगठन ने लड़ाकों को भेजा है। हिजबुल मुजाहिदीन की अगर बात करें तो साल 1979 में पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस्लामिक राजनीतिक पार्टी के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। हालांकि संगठन की तरफ से कई आतंकी हमले किए गए हैं। ये सिर्फ कुछ आतंकी संगठन हैं। इनके बारे में सुन के ही आप समझ गए होंगे कि आखिर पाकिस्तान कितने बड़े आतंकी संगठनों को पनाह देता है। तालिबान में जब 4 आतंकी पकड़ाए तो उनने भी यही कहा था कि पाकिस्तान की मदद से अंदर घुसे हैं, लेकिन पाकिस्तान इसे झुठला देता है। और इमरान खान कहते हैं कि तालिबान का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि पाकिस्तान इनका समर्थन करता है, जो कि सरासर गलत है। इमरान खान ने यह भी कहा कि इस पर डेप्थ रिसर्च करने की ज़रूरत है। तो इमरान खान को अब समझ जाना चाहिए कि रिसर्च हो चुकी है और अभी सच को कबूल करेंगे या फिर से इस पर तर्क वितर्क देंगे, इस पर उनको सोचना है। हालांकि UN में भारत की राजनयिक स्नेहा दुबे ने इस पर इमरान खान को मुंहतोड़ जवाब दिया है और रिपोर्ट के बाद इमरान खान के नकली आंसू और चिंता के पीछे का सच आज पूरी दुनिया के सामने खुलकर आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया खबर लाइव।